हाय फ्रेंड्स, एबीएस इन्फो में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी आया हुआ है उसका फॉर्म जो है कैसे अप्लाई करना है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाला सभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गंवाए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट आपको नहीं पता है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट दे देंगे, वहां से आ जाइएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सारा कुछ दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे, अगर आपके पास जो है ऑलरेडी लॉगिन है या रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए, दूसरा जो है नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जो ऐसा इंटरफेस ओपन होके आया है, उसके बाद इसको जो है क्लोज कर देना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या क्या इसमें डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो फ्रेंड्स हम पूरे फिल करके आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जैसे सिलेक्ट डोमिसाइल जब यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आएगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है 6 स्टेट आता है जो कि ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करता है। इसी ये सारे स्टेट वाले ही सिर्फ इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान निकोबार आइसलैंड है, ये 6 स्टेट जो हैं फ्रेंड्स, इसी 6 स्टेट वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हम रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको अगले पेज के बारे में बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड हो गया है मेरा एप्लीकेशन नंबर और मेरे फ़ोन पे भी जो है मैसेज आईडी और पासवर्ड आ गया है। तो चलिए हम लॉगिन कर, देखिए फ्रेंड्स जब आप लॉगिन कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव बीन साइन अप सक्सेसफुली, काइंडली कंप्लीट योर एप्लीकेशन बाय यूजिंग द क्रीडेंशियल शेयर्ड ऑन योर ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। प्लीज़ क्लिक ऑन राइट, क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एट राइट कॉर्नर, राइट हैंड कॉर्नर एट ऑफ द पेज। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कोई भी जो है कुछ नहीं ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 डॉट्स में, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट और लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, अगर हम मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर आप हम डेस्कटॉप पे अगर भरेंगे तो हमको दिख जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है, अगर मोबाइल से जो भी फ्रेंड्स भरना चाहते हैं तो उनके लिए एक उपाय है फ्रेंड्स, प्ले स्टोर से आप जो है पफिंग नाम करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद जो है उसमें से आप ओपन कीजिएगा तो आपको सब चीज़ प्रॉपरली ओपन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो है ओपन करके उसमें जो है लॉगिन करके उससे फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम पफिंग जो है मेरा ब्राउज़र उसमें जो है लॉगिन किए, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे ऑप्शन आ रहा है ऊपर में, उसमें नहीं आ रहा था, इसलिए जो मोबाइल से भर रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप डेस्कटॉप से भर सकते हैं। तो चलिए हम जो है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जेंडर में सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, आपको कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा स्टेट खुल गया है, जैसे कि मेरा नियरेस्ट पटना है तो हम पटना डाल देते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर 2 की बात करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर 2 कहाँ पे डालना है, हम कोलकाता डाल देते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर 3 की बात करता है और रांची डाल देते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, 4 में भी पूछा जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर 4 कहाँ पे देना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, रांची दे दिए हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे पटना भी दे दिए हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स भुवनेश्वर डाल देते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इतना नहीं भाई भर सकते हैं, यहाँ पे 2-3 कंपलसरी हैं, सॉरी 2 सेंटर भरना कंपलसरी, इसमें भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरिट स्टेटस पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो आप हैं वो फिल कर लीजिएगा। आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे सब में जो है ऑलमोस्ट नो ही होगा, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया है। उसके बाद जो फ्रेंड्स मेरा जो है
नेक्स्ट फॉर्म पेज जो है ओपन हो गया है। उसके बाद हम देख सारा चीज़ इसमें फिल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फादर्स नेम मदर्स नेम भरने के बाद जो है यहाँ पे सारा डिटेल्स आ रहा है, अच्छे से आप फिल कर लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद उसको फिल करने के बाद जो है सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओपन हो गया है। यहाँ पे आप जो है मैट्रिकुलेशन का पहले मांग रहा है, तो पहले आप जो है बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा बोर्ड से था, उसके बाद कौन सा ईयर में पास किए हैं, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था उसमें। जैसे मैट्रिक में फ्रेंड्स टेंथ में सबका ऑल सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद कितना परसेंट ऑप्टेंट था वो भी क्लियरली इसमें फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात करते हैं, कौन सा बोर्ड से था, उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट से आप पास किए थे, उसके बाद जो सब्जेक्ट में क्या था, उसके बाद आपने पास कब किया था, उसके बाद जो परसेंटेज क्या रहा था वो अच्छे से डाल दीजिएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री की बात करते हैं, जो डिप्लोमा किए हुए हैं यहाँ पे पास्ट है, उसके बाद जो है पे यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है कौन सा ट्रेड था आपका वो ट्रेड सेलेक्ट कर लिए, कौन सा यूनिवर्सिटी से था, उसके बाद कब पास किए थे, कौन सा ईयर में। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज भी मेंशन अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका और डिजाइनाइजेशन का पोस्ट पूछ रहा है कि आप जो है जहाँ पे एक्सपीरियंस लिए हैं वहाँ पे आपका क्या पोस्ट था और कब से कब तक आप वहाँ पे वर्क किए थे, सारा चीज़ इसमें अच्छे से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आप कौन सा पोस्ट पे थे, मेंटेनेंस इंजीनियर था तो इसमें वो डालना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स क्या आपका एम्प्लॉय वहाँ पे पोस्ट था, क्या वर्क कर रहे थे, मेंटेनेंस इंचार्ज, उसके बाद कब से कब तक था, ये इसमें फिल कर दिए फ्रेंड्स। यहाँ पे एक ही साल का मांगा जा रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे वो एडिट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पे करंट डेट ही रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स हम जो है सिर्फ आपको बताने के लिए ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट डाटा हम इसमें फिल नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे फ़ी, तो हमने रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करके जो है फॉर्म को अप्लाई किया था। उसके बाद जो है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ये फॉर्म को अपलोड करने का आ रहा है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी डाटा मांग रहा है वो अपलोड हम करके आपको बता। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में जो है आपको फोटोग्राफ जो है अपलोड करना है, यहाँ पे लिखा जाएगा अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद सेकंड में जो है फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, इस तरह का जो है ग्रीन कलर में सक्सेसफुली लिखा जाएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डिग्री का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन जो है फ्रेंड्स उसके बाद नीचे में जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चा है, इसको कैप्चा को एक बार रिप्लेस कर लीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्री पे क्लिक करने के बाद जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एग्री करने के लिए पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम एग्री कर दिए हैं। उसके बाद देखिए मेरा फॉर्म जो है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेरा दिख रहा है, सारा कुछ इसमें दिख रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आप इसको यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो हमको हमेशा मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस इन्फो के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।